वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे सामने आप देख रहे हैं द ऑल न्यू मारुति डिजायर। इस गाड़ी में आपको टोटल चार वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस। अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी VXi वेरिएंट। जरूरत के सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 7.5 लाख के करीब इसका एक्सशोरूम प्राइस पड़ जाता है। वहीं ऑन रोड प्राइस इसका चला जाता है अराउंड 8.5 लाख के करीब। स्टेट वाइज ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या कुछ ऑफर किया गया इस डिज़ायर में, जैसे कि सेकंड इसका जो ये वेरिएंट है VXi, क्या कुछ ऑफर किया गया इसमें, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट लुक्स की बात करें तो ऐसा कुछ आपको ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी। फ्रंट में इधर आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, सराउंडिंग में पूरी क्रोम फिनिश रखी गई है, सेंटर में आ जाएगा सुजुकी का लोगो एंड बीच में ग्रिल में पूरी मैट ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जाएगी लाइसेंस प्लेट की जगह। लेफ्ट साइड आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैंप्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, इनकी सिर्फ हाउसिंग दे रखी है। आफ्टर मार्केट या फिर आप शोरूम एंड से भी ये इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके साइड्स पे आपको ये क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी एज एक्सेसरी पार्ट। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड देखने को मिल जाते हैं हेडलैम्प्स। वहीं अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कुछ गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक है, काफ़ी प्यारा लुक है मारुति डिज़ायर का, देख सकते हैं। चल लेना गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं 14 इंच के स्टील व्हील सिल्वर कलर के व्हील कवर्स के साथ। इसका प्रॉपर साइज़ आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्या है, तो इसका साइज़ आपको मिलेगा 165/80 R14। 14 इंच के आप ये व्हील रहेंगे, JK टायर दिया गया साथ में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ। एंड ऐसा कुछ गाड़ी का ओवरऑल साइड लुक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है गाड़ी का ओवरऑल आप देख सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन की तरफ, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का रियर डिज़ाइन। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, ये पूरी क्रोम स्ट्रिप दी गई है यहाँ पे, डिज़ायर की बैजिंग आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी लाइसेंस प्लेट की जगह, नीचे लाइसेंस लाइट्स दी गई हैं। एंड यहाँ आपको मिलती हैं LED टेल लैंप्स, बेस वेरिएंट से ही आपको LED टेल लैंप्स ऑफर करी गई है मारुति की तरफ से, काफ़ी सही चीज़ है ये। यहाँ पे आपकी हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगी, ऊपर आ जाएगा एंटीना। एंड नीचे आते हैं, चार आपको मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। एंड यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। राइट साइड आ जाएगी एग्जॉस्ट पाइप एंड टोइंग हुक यहाँ पे दी गई है। गाड़ी की कीज़ की बात करें तो इस गाड़ी के साथ आपको ऐसी कुछ कीज़ देखने को मिल जाती हैं, दोनों रिमोट की मिलने वाली है लॉक अनलॉक के बटन के साथ। कर लेते हैं इसका टेल गेट ओपन, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया टेल गेट ओपन करने के लिए, तो यहाँ से करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, 378 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस दिया गया, काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। यहाँ पे टूल किट वगैरह का सामान आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे लैंप भी दी गई है। नीचे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, ये भी 14 इंच का ही रहने वाला है। डायमेंशन की इसकी बात कर लें तो ये रहेगा 165/80 R14, सेम स्टील व्हील है, सेम साइज़ है। बाहर वालों में व्हील कवर मिलता है, इसमें आपको वो नहीं मिलता है। तो काफ़ी अच्छा डिसेंट स्पेस लगा मुझे स्विफ्ट डिज़ायर इसका, सॉरी मारुति डिज़ायर का। कर लेते हैं इसे क्लोज, चल लेते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन की तरफ। बॉडी कलर आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, कर लेते हैं इसे ओपन। सो ऐसे कुछ रहने वाला गाड़ी का रियर डोर, ब्लैक एंड बेज फिनिश रखी गई है, काफ़ी प्यारी लग रही है ये। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट मटेरियल रखा गया, ऐसा लग रहा है लेदरेड फिनिश हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट मटेरियल रखा गया इसको। क्रोम में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, ऑल फोर इसमें आपको पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं। नीचे आते हैं, बॉटल होल्डर आ जाएगा, यहाँ पे स्पीकर दिया गया। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट पॉलिसी मिलती है यहाँ पे, लेकिन एज एक्सेसरी पार्ट लेदर सीट कवर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग लग रही है इसकी, देख सकते हैं ओवरऑल। और गाड़ी के इंटीरियर के साथ काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है, ब्लैक एंड बेज फिनिश रखी गई है इसकी भी, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको रियर हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया दो कप होल्डर के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। एक बार बैठ के देख लेते हैं गाड़ी में, तो आप देख सकते हैं 5'11" मेरी हाइट है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट एंड लेग स्पेस यहाँ पे मुझे मिल रहा है। नीचे आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक 12 वॉट का पावर आउटलेट। सॉफ्ट क्लोज आपको मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स, एंड यहाँ पे कैबिन लाइट रहेगी येलो में, मतलब हैलोजन आपको कैबिन लाइट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ऐसा कुछ आपको गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड लुक मिलता है, काफ़ी डिसेंट लुक है इंटीरियर का। चलिए चलते हैं फ्रंट में, देखते हैं क्या कुछ आपको वहाँ पर ऑफर किया गया। यहाँ पर आपको
की के लिए दी एक है लॉक अनलॉक करने के लिए, एंड ऐसा कुछ आपको मिलता है गाड़ी का ड्राइवर डोर, अगेन ब्लैक एंड बेज फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, एंड ये पार्ट आप करेगा फैब्रिक फिनिश में। ऑल फोर आपको पावर विंडोज देखने को मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक का बटन रहेगा, एंड यहाँ से आप ओआरवीएम जो है इसे फोल्ड एंड एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ओआरवीएम्स, अगेन बॉटल होल्डर एंड स्पीकर की यहाँ पे यहाँ स्पीकर मिल जाता है आपको। ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको अगेन पहले तो सीट कवर्स मैंने आपको बता दिया जो कि ये एक्सेसरी पार्ट में इंस्टॉल किए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको ये ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसे जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हैं एंड रिक्लाइन भी कर सकते हैं इसको, काफ़ी सही चीज़ लगी है मुझे। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप टेल लाइट ओपन करने का आपको लीवर देखने को मिल जाएगा, एंड इसी के साथ ये फ्यूल का आपको फ्यूल लिड का लीवर दिया गया। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से बोनट ओपन होगा, एंड यहाँ पे आपको एबीसी पैडल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आ जाएगा ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, यहाँ से आप हेडलैम्प लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन एसी वेंट का डिज़ाइन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको बेज फिनिश में। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर, ब्लैक एंड बेज फिनिश की रखी गई, बीच में ये वुडन टच दिया गया, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये देखने में, एंड एसी वेंट्स के सराउंडिंग्स में आपको सिल्वर टच देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, डी कट आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदरेड नहीं रहेगा ये, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील रहेगा। लेफ्ट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारे आपके कॉलिंग के कंट्रोल्स आ जाएंगे। लेफ्ट साइड देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स, एंड राइट साइड पे हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, एंड ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी प्यारा लगता है। लेफ्ट साइड पे आपको मेनली आपको दो डायल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड आपको आरपीएम का मिलेगा, एंड राइट साइड स्पीड का, वहाँ पे 220 की आपको इसमें टॉप स्पीड दी गई है, एंड सेंटर में वहीं आपको एक एमआईडी देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा ये। कर लेते हैं इसे लॉक, एक बार मैं की लगा देता हूँ इसमें, तो देख सकते हैं आप ऐसा कुछ इसका इंटरफेस रहने वाला है। सेंटर एमआईडी में आपको जो है फ्यूल भी इसी में दिखाएगा, कितना फ्यूल है गाड़ी में एंड कितनी रेंज है, वो टाइम वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड उसी के ऊपर आपको ओपन डोर वार्निंग, लो फ्यूल इंडिकेटर, वो सारी लाइट्स आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगी। साइड पे आपको ये नॉब्स देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे आपको हज़ार स्विच देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ इसी वेंट का डिज़ाइन रहेगा, ये पूरा आपको वुडन टच दिया गया, एंड यहाँ आपको मिलता है टू डिन ऑडियो प्लेयर फोर स्पीकर्स के साथ, ऊपर ये पूरा आपको एक कैपेसिटिव टच रहने वाला है, देख सकते हैं आप कैपेसिटिव टच रहेगा। ये ब्लू लाइंस काफ़ी अच्छी लगती हैं रात में, पूरा ये पैनल जो है इसको ब्लैक मैट फिनिश में रखा गया है। मैनुअल आपको इसी कंट्रोल की यूनिट देखने को मिल जाती है, नीचे ये 12 वॉट का सॉकेट है, और यहाँ पे यूएसबी का सॉकेट दिया गया है, यूएसबी एंड ऑक्स का। यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने की जगह आ गई, दो कप होल्डर आ गए, यहाँ आ गया 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप बेस वेरिएंट अलग से छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं अगर आप सीएनजी की तरफ जाना चाहते हैं उसमें भी वो भी आपको ऑफर किया गया है, सिर्फ वीएक्सआई जेडएक्सआई में आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, बाकी सब में नहीं है। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे गियर नॉब के सराउंडिंग्स में आपको ये सब फिनिश रखी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी मैनुअल आपको हैंडब्रेक देखने को मिल जाती है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इसमें। इस साइड आ जाते हैं, ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का ग्लो बॉक्स, काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलती है इसमें भी। ऊपर आ जाते हैं, मैनुअल आपको मिलेगा गाड़ी का, आईआरवीएम हैलोजन लाइट दी गई है यहाँ पे, एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर देख सकते हैं, यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया गया, एंड को ड्राइवर साइड मिरर भी मिल जाएगा आपको इसमें। अगेन फ्रंट में आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज ग्रैब हैंडल दिया गया। तो ये था गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है मारुति डिज़ायर का। चलिए चलते हैं, हम करते हैं गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात, तो इसे कर लेते हैं क्लोज, एंड यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं। सो देख रहे हैं गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट, इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 89 bhp की, देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका ओवरऑल रहने वाला है लुक। ऊपर आपको इंसुलेशन भी देखने को मिल जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी साइलेंट इंजन मिलते हैं आपको मारुति की तरफ से, तो पावर फिगर्स भी काफ़ी अच्छी हैं इस इंजन की, एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी तो आपको पता ही है मारुति की। तो यही सब थी इन्फॉर्मेशन मारुति डिज़ायर के बारे में, कैसी लगी आपको ओवरऑल गाड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगता है वीएक्सआई डिज़ायर का। गाड़ी के रिलेटेड कोई भी इस गाड़ी के रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।